हेलो एवरीवन। तो काफ़ी टाइम के बाद अभी वीडियोस बन रही हैं, तो कुछ चेंजेस हैं जो कि अब से स्टार्ट होंगे इस चैनल पे। पहली चीज़ तो ये कि मैं जेई और नीट वाले चैनल अलग से होगा, वो इस चैनल पे नहीं होगा, एमएससी वाले पे। पहले मैंने सोचा था कि एक ही चैनल पे रहे केमिस्ट्री, बट दैट इज़ नॉट गुड। सो आई एम डिसाइडेड दैट मैं अलग से चैनल बनाऊंगा जेई और नीट के लिए। एनी हाउ वो जब भी बनेगा उस पर वीडियोज़ डल जाएंगे जो ऑलरेडी बन चुके हैं, उसके बाद जो आगे बनेंगी वो उस चैनल पर आएंगी। इस चैनल पे मैं अभी ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस लास्ट टाइम करा रहा था, काफ़ी टाइम से मैंने वीडियोस नहीं बनाई हैं ड्यू टू सम रीजन, तो अभी मैं आगे स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी मैं सोच रहा हूँ कि दो चीज़ें चलेंगे इस चैनल पे। पहली चीज़ तो कि एक बुक है क्लेडन जो मैंने पढ़ी है, जो मैंने उस बुक में सीखा है उस बुक की समरी मैं आपको करा दूँगा। चैप्टर 6 पहले कंप्लीट हो चुका है, बाकी कुछ चैप्टर्स आधे आधे करके मैंने छोड़ दिए थे, तो वो आगे मैं कंप्लीट करूँगा। आज चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे, यानी कि कार्बोनिल केमिस्ट्री हम कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 6, 10, 11, उसके बाद 20 चैप्टर होता है कार्बोनिल में, फिर 25th चैप्टर है, फिर 26th चैप्टर है। उसके बाद कार्बोनिल, देखो यहाँ पे नॉर्मल कार्बोनिल एडिशन रिएक्शंस हैं, ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, ये भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। यहाँ पे इनोल के बारे में पढ़ेंगे, इनोल की फॉर्मेशन के बारे में, उसके बाद इनोल की रिएक्शन हम पढ़ेंगे एल्काइल हैलाइड्स के साथ, या फिर दूसरे वर्ड्स में इलेक्ट्रोफाइल्स के साथ। और 26 चैप्टर्स में क्या है, इसमें इनोल्स की रिएक्शन है कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ रिएक्शंस पढ़ेंगे इनोल्स की। उसके बाद कुछ चीज़ें अलग अलग चैप्टर्स में बिखरी हुई हैं, जैसे चैप्टर नंबर 32, ये स्टीरियो सेलेक्टिविटी ऑफ साइक्लिक मॉलिक्यूल्स में आप कुछ चीज़ें पढ़ोगे कि रिंग के अगर ऊपर कार्बोनिल ग्रुप है तो वहाँ पे कैसे रिएक्शंस होती हैं। फिर आप चैप्टर नंबर 33 में डाई स्टीरियो सेलेक्टिविटी पढ़ोगे कि ऊपर से अटैक होगा कार्बोनिल में या नीचे से होगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 41, तो इनके अंदर तो थोड़ा थोड़ा फैला हुआ है, बट ये कंप्लीट जो ये चैप्टर हैं 5, ये कार्बोनिल केमिस्ट्री के लिए ही चैप्टर हैं। 9th एक और चैप्टर है यहाँ पे ऑर्गेनोमेटलिक्स का, ठीक है, उसका इतना कोई खास रिलेशन नहीं है कार्बोनिल के साथ, वो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स के फॉर्मेशन पे बेस्ड है मेनली। पर मेन चैप्टर 6th भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये चार जो चैप्टर हैं, ये 5 चैप्टर, 10, 11, 20, 25 और 26, ये चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कार्बोनिल केमिस्ट्री में। तो एक तो हम पहले क्लेडन की समरी करेंगे, जैसे पहले कार्बोनिल केमिस्ट्री की सीरीज चलेगी, उसके साथ साथ पैरेलल में जो क्वेश्चंस हैं ऑर्गेनिक के वो हम कवर करेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस विल बी कवर्ड, ऑल ऑर्गेनिक क्वेश्चंस। फिजिकल भी मैं कोशिश करूंगा, बट पहले मैं फोकस ऑर्गेनिक पे करूंगा। फिजिकल के बीच बीच में वीडियोज आती रहेंगी। फिजिकल में आपकी 14 यूनिट होती है, ठीक है, क्वांटम होती है, थर्मो होती है, काइनेटिक्स के बाद स्टेटिस्टिकल होती है, ग्रुप थ्योरी है, सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट के बाद यहाँ पे आता है स्टेटिस्टिकल, थर्मोकाइनेटिक्स, सरफेस, फिर पॉलीमर, इलेक्ट्रो, डाटा एनालिसिस। इस तरह से आपकी 14 यूनिट बन जाती हैं। क्वांटम में 4 यूनिट होती हैं, ठीक है, तो 14 यूनिट बन जाती हैं। वो देखते हैं बीच बीच में, अगर वीडियोज बना पाया तो आई विल कवर, अदरवाइज ऑर्गेनिक पे फोकस रहेगा मेरा, क्योंकि पहले मैं ऑर्गेनिक कवर कर रहा हूँ। सो यहाँ पे मैं पहले स्टार्ट कर रहा हूँ। 6 चैप्टर की वीडियोज चैनल पे जा चुके हैं, तो आप 6 चैप्टर की वीडियोज देख सकते हो चैनल पे। और मैं कोई क्लेडन को लाइन बाय लाइन नहीं कराने वाला, ना ही आपको हर चीज़ क्लेडन के बताने वाला जो इम्पोर्टेंट नहीं है। देखो, अगर आप बुक पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली जो मैं सिखा पाऊंगा उससे कई गुना ज़्यादा बुक से सीखोगे। मैं आपको बता दूंगा कि कार्बोनिल पे अटैक कैसे होता है, लेकिन ये सब जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है कि प्रूफ कहाँ से मिला कार्बोनिल पे अटैक कैसे होता है, ये कहाँ से हुआ। क्वेश्चंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपको पता होना चाहिए चीज़ें कैसे होती हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है प्रूफ कहाँ से मिला, बैक साइड में उसके क्या एक्सपेरिमेंट्स है, ये सब मैं ज़्यादा नहीं कराऊंगा। एक्सपेरिमेंटल पार्ट मैं ज़्यादा छोड़ने की कोशिश करूंगा। जो काम की चीज़ें हैं, जो समरी है बुक की हर एक चैप्टर की, वो मैं आपको कराऊंगा। जैसे 10th चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है, पर मैं 6-7 वीडियो में इसको कवर कर दूंगा, इसी तरह से सारे चैप्टर्स को। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले 6th चैप्टर। और
सिक्स चैप्टर हो चुका है, तो इसके बाद हमें टेंथ चैप्टर करना है। टेंथ चैप्टर का मैं नाम आपको बता देता हूँ, बिकॉज मुझे नाम इतने याद नहीं रहते चैप्टर्स के। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट कार्बोनिल ग्रुप, यस ये नाम है चैप्टर का, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट कार्बोनिल ग्रुप। तो सबसे पहले मैंने जिस पार्ट में सिलेबस को डिवाइड किया है ये जो चैप्टर, वो आपको बता देता हूँ। बुक के अंदर चाहे जैसे भी हो, मेन पॉइंट मैं बता देता हूँ चैप्टर के अंदर क्या है। सबसे पहले तो आपको बताया गया है कि लिविंग ग्रुप क्या होते हैं एंड न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। इनके अंदर आपको बताया गया है कि कौन से लिविंग ग्रुप अच्छे होंगे, कौन से न्यूक्लियोफाइल अच्छे होंगे, रिएक्शन उन पे कैसे डिपेंड करेगी, ये सब हम करेंगे। उसके बाद एक आता है इंटरकन्वर्जन ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स, इंटरकन्वर्जन ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स। उसके बाद थर्ड जो टॉपिक होगा यहाँ पे एस्टर मेकिंग हम पढ़ेंगे। एस्टर के बारे में इस चैप्टर में आप बहुत ज़्यादा पढ़ोगे, तो एस्टर के बारे में डिटेल में दिया गया है इस चैप्टर के अंदर, जैसे एसिटल्स के बारे में है, आएगा आगे चैप्टर में, इलेवेंथ चैप्टर में। उसके बाद हम पढ़ेंगे एसिड कैटालिसिस के बारे में, एसिड कैटालिसिस। एसिड कैटालिसिस में सारी चीज़ें आएंगी, अलग अलग लिविंग ग्रुप पे क्या इफेक्ट होगा, एस्टर के ऊपर बनाने में क्या इफेक्ट होता है एसिड कैटालिसिस का, ये सब आ जाएंगी इसके अंदर। उसके बाद आएगी ट्रांसएस्टरिफिकेशन, तो आपको दिख जाएगा कि एस्टर बहुत बड़ा पार्ट है इस चैप्टर के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आएगा हाइड्रोलिसिस, ये भी इम्पोर्टेंट है, हर एक रिएक्शंस का मैकेनिज्म आएगा हाइड्रोलिसिस। किस किस की हाइड्रोलिसिस है गिवन क्लेडन में, सर एक तो एस्टर की हाइड्रोलिसिस है, उसके बाद अमाइड की और नाइट्राइल की। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि कार्बोजेनिक एसिड की रिएक्शन हमें पढ़नी है। 11, 12 में आपने पढ़ी है PCl5 के साथ, SOCl2 के साथ, इसका मैकेनिज्म पढ़ना है। ये मैकेनिज्म आगे जाके लिंक कर जाएगा दूसरे चैप्टर्स के अंदर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है आपका कि आपको एस्टर से कीटोन बनाना है। जब आप एस्टर से कीटोन बनाओगे तो क्या क्या इसके अंदर प्रॉब्लम आती हैं और कैसे हमें उसको सॉल्व करना, तो ये बेसिकली टॉपिक्स हैं चैप्टर नंबर 10 के अंदर। 8 टॉपिक्स हैं, तो आप ये मान के चल सकते हो 8 या 9 वीडियोज बन जाएंगे, जनरली 8 ही बनेंगे मैक्सिमम। तो लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, कार्बोनिल ग्रुप पे रिएक्शंस कैसे होती है, फिर इंटरकन्वर्जन ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स, एस्टर कैसे बनाना है, एसिड कैटालिसिस क्या होगी, ट्रांसएस्टरिफिकेशन, हाइड्रोलिसिस इन तीन कंपाउंड्स की, उसके बाद कार्बोजिलिक एसिड की रिएक्शन इन चीज़ों के साथ, फिर एस्टर से कीटोन कैसे बनाना है, प्रॉब्लम क्या क्या आती हैं जब एस्टर से कीटोन बनाते हैं और उन प्रॉब्लम्स को टैकल कैसे करना है, ये इस चैप्टर के अंदर दिया गया है। मेन समरी इस चैप्टर की ये है। तो मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल्स, जो आपका पहला टॉपिक है इस चैप्टर में, और कोशिश करना आप इसी सीरीज में पढ़ो पूरी कार्बोनिल केमिस्ट्री को, ठीक है। कार्बोनिल केमिस्ट्री की मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा चैनल पे। तो कार्बोनिल केमिस्ट्री में देखो 6th, 10th, 11th, 20th, 25th, 26th ये चैप्टर्स होंगे कार्बोनिल केमिस्ट्री के अंदर। ये चैप्टर कवर हो चुका है, ये अभी मैंने स्टार्ट किया, उसके बाद ये चैप्टर्स आएंगे, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा कार्बोनिल केमिस्ट्री, जैसे आप सर्च करोगे। तो सबसे पहला टॉपिक है, देखो कार्बोनिल कंपाउंड होता है कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड, यहाँ पे R है, यहाँ पे R, यहाँ पे R1 है, यहाँ पे R2 है, ठीक है। अगर यहाँ पे R2H है, R2 अगर H है, तो ये बन जाएगा R1 कार्बन डबल बॉन्ड H, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। इसी तरह से R1 R2 अगर एल्काइल ग्रुप है, ठीक है, R1 यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप मीन्स कार्बन। अगर यहाँ पे R1 एंड R2 बोथ हेल्काइल ग्रुप हैं, तो इसको बोलते हैं कीटो। तो ये बन जाता है कीटोन, ठीक है। अब कार्बोजिलिक एसिड आपको पता है कि अगर एक R की जगह पे हम OH लगा देते हैं तो ये कार्बोजिलिक एसिड बन जाता है, ये आपने पढ़ा हुआ है 11, 12 में भी। OH की जगह पे अगर आप लगा देते हो Cl, तो ये एसिड क्लोराइड बन जाता है। फ्लोरीन लगा दोगे तो एसिड फ्लोराइड, ब्रोमीन लगा दोगे तो एसिड ब्रोमाइड, ठीक है, सिमिलर मैनर में एसिड क्लोराइड बन जाता है।
अगर आप यहाँ पे सी एल की जगह पे लगा देते हो कोई और कार्बोनिल ग्रुप इस तरह से, तो ये एसिड एनहाइड्राइड बन जाता है। ये सभी कार्बोजिलिक एसिड से निकले हैं, OH की जगह पे Cl लगा दिया, OH की जगह पे OCOR लगा दिया, कोई कार्बोनिल कंटेनिंग कंपाउंड। इसी तरह से अगर आप दूसरे OH की जगह पे यहाँ पे NH2 लगा देते हो तो एसिड अमाइड बन जाता है, इसको अमाइड बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे OR ग्रुप कोई लगा देते हो तो ये बन जाता है एस्टर। तो इन कंपाउंड्स के बारे में हमें पढ़ना है डिटेल में, एक एक करके ये कंपाउंड्स आते जाएंगे, ठीक है। कुछ नहीं है, कार्बोनिल ग्रुप होता है सी डबल बॉन्ड ओ, ये होता है सी डबल बॉन्ड ओ कार्बोनिल ग्रुप। तो कार्बोनिल ग्रुप जहां पे भी है वो कंपाउंड्स कैसी रिएक्शन देंगे, ये सब हम पढ़ेंगे कार्बोनिल केमिस्ट्री के अंदर। सबसे पहले तो आपको कंपाउंड्स के नेम ही पता होने चाहिए, और ये वीडियो जनरली 11th 12th के लिए नहीं है, ये जैम या फिर गेट या नेट CSIR वालों के लिए है, तो उनको जनरली ये चीज़ें पता होती हैं, तो मैं इन पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ये कीटोन है, अगर दोनों एल्काइल ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है तो एल्डिहाइड होता है, एक OH ग्रुप आप लगा दोगे तो कार्बोजिलिक एसिड बन जाएगा, एक क्लोरीन लगा दोगे एसिड क्लोराइड, कार्बोनिल कंटेनिंग कंपाउंड कोई लगा दिया एसिड एनहाइड्राइड बन गया, यहाँ पे NH2 आपने लगा दिया तो एसिड अमाइड बन गया, और यहाँ पे OR आपने लगा दिया तो एस्टर बन गया। तो इन कंपाउंड्स में सबसे पहली कॉमन चीज़ क्या है, देखो कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड हो उसकी रिएक्शंस किस तरह से होंगी, बेसिक प्रिंसिपल क्या हो उनकी रिएक्शंस का। तो बेसिक प्रिंसिपल ये है, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड हो सबसे पहले कोई भी न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे पार्शियल नेगेटिव मिलेगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव मिलेगा। तो अगर कोई न्यूक्लियोफाइल है यानी कि जिस पे नेगेटिव चार्ज हो वहाँ पे अटैक करेगा जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है यानी कार्बन पे, अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वहाँ पे अटैक करेगा जहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है यानी कि ऑक्सीजन के ऊपर। तो देखो न्यूक्लियोफाइल्स के अटैक के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, कार्बन पे, कार्बन से जाके बॉन्ड बना लेगा, कार्बन के बॉन्ड हो जाएंगे पांच, तो कार्बन ये वाला बॉन्ड तोड़ के दे देगा ऑक्सीजन को, तो देखो क्या बनेगा, ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे जुड़ जाएगा न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल ने इलेक्ट्रॉन दे दिए, पॉजिटिव आया, नेगेटिव था पॉजिटिव आया न्यूट्रल, इसी तरह से कार्बन पे ये आ जाएगा और ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। उसके बाद यहाँ से दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, सबसे पहला देखो पहले क्या हो सकती है कि ये जो है ये जो हमारे पास इंटरमीडिएट बना है इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। अब दो चीजें हो सकती हैं, या तो ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट स्टेबल है, स्टेबल है तो क्या करेगा, ये सॉल्यूशन से एच पॉजिटिव लेके OH बन जाएगा। दूसरी कंडीशन, दूसरी चीज क्या हो सकती है कि ये अनस्टेबल है, जो हमारे पास ये है कार्बोनिल कंपाउंड, ये जो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना है ये अनस्टेबल है, तो ये दूसरी कंडीशन हो सकती है। किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड में हमेशा ऐसा होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा, या तो वो स्टेबल होगा या वो अनस्टेबल होगा। अगर वो स्टेबल है तो एच पॉजिटिव लेके OH बन जाएगा एल्कोहल, अगर वो अनस्टेबल है तो यहां से अब दूसरी चीज ये आता है कि हमें कैसे पता चलेगा वो अनस्टेबल है या नहीं है, अगर उसके ऊपर कोई लिविंग ग्रुप है तो वो अनस्टेबल होगा। अब ये लिविंग ग्रुप क्या होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे सारी चीजें, अगर कोई लिविंग ग्रुप उसके ऊपर लगा है तो ये नेगेटिव चार्ज फिर से नीचे आएगा और यहाँ से लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। तो देखो क्या बनेगा, कार्बन पे ऑक्सीजन ने बना लिया डबल बॉन्ड, यहाँ लग गया न्यूक्लियोफाइल और यहाँ पे क्या आ गया, लिविंग ग्रुप विद नेगेटिव चार्ज। तो अगर कोई लिविंग ग्रुप है कार्बोनिल कंपाउंड पे तो हमेशा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज नीचे आएगा और ये जो लिविंग ग्रुप है ये निकल जाएगा। अगर लिविंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट स्टेबल बनेगा और सॉल्यूशन से एच पॉजिटिव लेके एल्कोहल बन जाएगा। तो ये दो चीज़ें होंगी पूरी कार्बोनिल केमिस्ट्री के अंदर, पूरे के पूरे कार्बोनिल केमिस्ट्री के अंदर 26 चैप्टर जो हैं आपकी, यानी कि जो 6 चैप्टर हैं आपके कार्बोनिल केमिस्ट्री के 26th चैप्टर तक, उन सभी में ये दो ही चीज़ें चलेंगी बार बार घूम फिर के। तो इसके एक बार फिर से देख सकते हैं आप कि कार्बोनिल के ऊपर अटैक होगा, उसके बाद टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा, या तो वो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट स्टेबल होगा या वो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट अनस्टेबल होगा।
अगर वो अनस्टेबल है तो यहाँ से लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, अगर वो स्टेबल है तो लिविंग ग्रुप नहीं निकलेगा, यानी कि लिविंग ग्रुप नहीं है तभी तो वो स्टेबल होगा, तो वो सॉल्यूशन से हाइड्रोजन लेके अल्कोहल बन जाएगा। तो ये दो चीज़ें होंगी पूरी की पूरी कार्बोनिल केमिस्ट्री के अंदर। तो देखो आगे चलता हूँ मैं, अभी चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे ये जो लिविंग ग्रुप ना हो कार्बोनिल ग्रुप पे, ये आप चैप्टर नंबर 6 में पढ़ चुके हो, इस चैप्टर करने के लिए जिनके आपको नीड नहीं है। तो ध्यान दो हमेशा, कोई भी अगर कार्बोनिल कंपाउंड है वहाँ पे, यहाँ पे X लगा है, यहाँ पे R लगा है, यहाँ पे X लगा है, ठीक है। अब हमें देखना है कि ये X लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऊपर जाएगा, उसके बाद क्या बनेगा देखो, यहाँ पे O पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे X और यहाँ पे जुड़ गया न्यूक्लियोफाइल। अब आपको देखना है कि ये X निकल के जा सकता है या फिर ये X निकल के नहीं जाएगा। तो आप क्या करो, इस X को निकाल के देख लो, यहाँ पे ये बॉन्ड नीचे ले आओ, ये बॉन्ड X को देके निकाल दो, क्या बनेगा अगर आप इसको निकाल दोगे तो, न्यूक्लियोफाइल प्लस X नेगेटिव। तो ये हमारे पास बनेगा अगर आप इसको निकाल देते हो। तो आपने X नेगेटिव को निकाल दिया, यहाँ पे लिविंग ग्रुप क्या है, X नेगेटिव। अगर आपको देखना है ये अच्छा लिविंग ग्रुप है या नहीं है, तो आप क्या करो, ये X नेगेटिव लो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लिविंग ग्रुप, ठीक है, इसके ऊपर H पॉजिटिव ऐड कर दो, H पॉजिटिव ऐड कर दो, क्या बनेगा HX। जब कोई चीज़ H पॉजिटिव एक्सेप्ट करती है तो उसको क्या बोलते हैं, बेस। इसको बेस बोलोगे क्योंकि H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर रही है। H पॉजिटिव एक्सेप्ट करने के बाद जो बन जाता है उसको क्या बोलते हो, कंजुगेट एसिड, कंजुगेट एसिड, ठीक है। तो आपको हमेशा जो लिविंग ग्रुप है उसका कंजुगेट एसिड देखना है, H लगा दो उसके साथ जो भी लिविंग ग्रुप आपको देखना है, और फिर देखो कि वो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है। जैसे X यहाँ पे क्या हो सकता है, X की जगह पे Cl नेगेटिव हो सकता है, जैसे RCOCl हो, इसके ऊपर अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो क्या बनेगा, RCO न्यूक्लियोफाइल प्लस Cl नेगेटिव। तो Cl नेगेटिव हो सकता है यहाँ पे X, और क्या हो सकता है X, देखो अगर इस तरह से है कार्बोनिल एसिड डेरिवेटिव्स, अब मैं सारे के सारे लिख रहा हूँ, OCOR, इसके साथ न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन करा सकते हैं तो क्या बनेगा देखो, RCO न्यूक्लियोफाइल प्लस O नेगेटिव COR, ये हो सकता है लिविंग ग्रुप। दूसरा अगर ये एस्टर है तो क्या हो सकता है लिविंग ग्रुप, न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो RCO न्यूक्लियोफाइल बनेगा प्लस OR नेगेटिव बनेगा, ये हो सकता है लिविंग ग्रुप। दूसरा हैलाइड हो गया, एनहाइड्राइड हो गया, एस्टर हो गया, उसके बाद अमाइड भी हो सकता है, जैसे अगर आपके पास एसिड अमाइड है NH2, इसके आप न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन कराते हो तो RCO न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, प्लस यहाँ से क्या निकल के जा सकता है, यहाँ से NH2 नेगेटिव निकल के जा सकता है, NH2 नेगेटिव, यहाँ से OR नेगेटिव, ये चीज़ें निकल के जा सकती हैं। और क्या जा सकता है यहाँ से निकल के देखो, अगर यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है CH3, इसके आप न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन कराते हो और इस CH3 को निकाल देते हो तो यहाँ से क्या निकल के गया है, CH3 नेगेटिव, ठीक है। तो ये तीन चार तरह की चीज़ें मैंने लिखी हैं, लिविंग ग्रुप मैंने लिखे हैं तीन चार तरह के, यहाँ से CH3 को निकाल दिया CH3 नेगेटिव, यहाँ से OCOR को निकाल दिया, अगर ये एनहाइड्राइड है, अगर एस्टर है तो OR नेगेटिव निकल के जा सकता है, एसिड अमाइड है तो NH2 नेगेटिव निकल के जा सकता है, और अगर एसिड क्लोराइड है तो Cl नेगेटिव यहाँ से निकल के जा सकता है। तो देखो लिविंग ग्रुप हमारे पास क्या क्या बने, एक तो हमारे पास बना Cl नेगेटिव, ठीक है, दूसरा हमारे पास बना, ये पहला लिविंग ग्रुप है, दूसरा लिविंग ग्रुप हमारे पास बना OCOR नेगेटिव, या फिर इसको इस वे में लिख सकते हैं RCOO नेगेटिव, यहाँ पे ये जो एसिड एनहाइड्राइड था यहाँ से क्या निकल के गया, RCOO नेगेटिव। उसके बाद और लिविंग ग्रुप क्या है, ये है हमारे पास एल्कोहल वाला थर्ड, एस्टर था, एस्टर के अंदर न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करता तो लिविंग ग्रुप क्या होगा, RO नेगेटिव। अमाइड के अंदर अगर अटैक करता है फोर्थ पोजिशन पे तो अमाइड के अंदर लिविंग ग्रुप क्या है, NH2 नेगेटिव, और फिफ्थ पोजीशन पे अगर इसके अंदर अटैक करता है कीटोन के अंदर तो लिविंग ग्रुप क्या है, CH3 नेगेटिव। ये हमारे पास है लिविंग ग्रुप, आपको दिखाई दे रहा है या नहीं मैं देख लेता हूँ, ओके दिखाई नहीं दे रहा तो फिफ्थ मैं ऊपर लिख देता हूँ, चलो चार में देख लीजिए।
तो लिविंग ग्रुप क्या है हमारे पास, इस तरह से है। अब इनका आप कंजुगेट एसिड देखो, कंजुगेट एसिड मीन्स, कंजुगेट एसिड का मीनिंग है इनके साथ एच पॉजिटिव लगा, तो इसके साथ एच पॉजिटिव लगाओगे तो क्या बन जाएगा, एच सी एल। इसके साथ एच पॉजिटिव लगाओगे तो आर सी ओ ओ एच। इसके साथ एच पॉजिटिव लगाओगे तो आर ओ एच। इसके साथ एच पॉजिटिव लगाओगे तो एन एच थ्री, ये बन गया। इसको भूल जाओ एक सेकंड के लिए, बाद में देखेंगे, जगह नहीं है बोर्ड पे। अब यहाँ पे आप देखो पी के ए, पी के ए बताती है कोई चीज़ कितना एसिडिक है। आई थिंक मुझे नीड नहीं है पी के एक्सप्लेन करने की। पी के ए अगर कम है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, पी के ए अगर ज्यादा है तो वीक एसिड है। जनरली अगर मैं पी के ए के अकॉर्डिंग आपको बताऊं, इनको मैं मिटा देता हूं, ठीक है, आप नोट्स बना सकते हो साथ के साथ, आप कहेंगे तो मैं मेरे वाले नोट्स अपलोड कर सकता हूं साथ में। देखो अगर किसी चीज की पी के ए जीरो से कम है, पी के ए अगर जीरो से कम है उसको माना जाता है वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। अगर किसी चीज की पी के ए वन से लेके फाइव के बीच में है उसको माना जाता है मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग एसिड, और अगर किसी चीज की पी के ए फाइव से लेके फिफ्टीन के बीच है, ठीक है, तो उसको माना जाता है वेरी वीक एसिड। वेरी वीक मीन्स आप वीक एसिड बोल सकते हो, 15 तक पहुंच जाओगे तो वेरी वीक एसिड हो जाएगा, ठीक है। और अगर किसी चीज की पी के ए ग्रेटर देन 15 है वो बन जाता है बेसिक, ठीक है। पी के ए का मीनिंग है माइनस लॉग ऑफ के ए, के ए होता है डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट मीन्स अगर कोई एसिड है एच ए तो वो इक्विलिब्रियम में है इस तरह से, एच पॉजिटिव प्लस ए नेगेटिव, तो के ए क्या बन जाएगा, के बन जाएगा प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट, ये कंसंट्रेशन, ये होता पी के ए। इसका माइनस लॉग लेते हैं तो वो बन जाता है पी के ए, इसको बोलते हैं पी के ए, ठीक है। तो पी के ए जितना कम होता है किसी चीज़ का वो जितनी ज़्यादा एसिडिक होती है, अगर पी के ए कम है तो वो वीक एसिड होती है। एच सी एल का पी के ए होता है लगभग माइनस सेवन, कार्बोजिलिक एसिड का पी के ए होता है लगभग 5 के आसपास, एल्कोहल का पी के ए होता है लगभग 15 के आसपास, और एन एस थ्री का पी के ए होता है लगभग 25 के आसपास। तो देखो मुझे बताओ स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, ठीक है, लगभग तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है, एच सी एल है, उसके बाद आर सी ओ ओ एच है, फिर एल्कोहल है, फिर अमीन है। पी के आपको याद करने की नीड नहीं है, क्लेरन में दे रखा है इसलिए आपको बता रहा हूँ। वैसे भी आप बता सकते हो इनमें से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, एच सी एल है, उसके बाद कार्बोजिलिक एसिड, फिर एल्कोहल वीक एसिड होता है, और अमोनिया क्या होता है, बेसिक होता है। तो जो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका नेगेटिव पार्ट उतना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, जो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका नेगेटिव पार्ट उतना ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो अच्छा लिविंग ग्रुप होने के लिए आपको क्या करना है, जो भी आपको लिविंग ग्रुप निकाल के आप देख रहे हो उसके साथ H लगा दो। H लगाने के बाद जो बन गया उसमें से देखो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, जो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा H लगाने के बाद उसका नेगेटिव पार्ट उतना ज़्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। तो आप स्ट्रॉन्ग एसिड बताओ, एसिडिटी अगर आपको देखनी है, एसिडिटी ऑफ कंजुगेट एसिड, कंजुगेट एसिड यानी H लगाने के बाद जो बना है वो किस फॉर्म में है, सबसे ज़्यादा वन है, फिर सेकेंड है, फिर थर्ड है, और उसके बाद है फोर्थ, इस क्रम में है एसिडिटी। तो लिविंग ग्रुप ऑर्डर क्या होगा, लिविंग ग्रुप ऑर्डर किसका नेगेटिव पार्ट सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, जो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है यानी फर्स्ट सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, उसके बाद सेकंड होगा, फिर थर्ड होगा, और फिर फोर्थ होगा। जिसका नेगेटिव पार्ट जितना ज्यादा
जिसका एच लगाने के बाद कंजुगेट एसिड जितना ज़्यादा स्ट्रोंग है उसका नेगेटिव पार्ट उतना अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। लिविंग ग्रुप होता है मींस वो स्टेबल होता है नेगेटिव चार्ज के साथ। आप एच लगा के देखो सिंपल, जिसके साथ एच लगाने के बाद जितना ज़्यादा स्ट्रोंग एसिड बनेगा उसका नेगेटिव पार्ट उतना ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बताना है कौन सी रिएक्शन ज्यादा फास्ट होगी, ठीक है, तो ध्यान रखना रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लिविंग ग्रुप एबिलिटी के। जितना अच्छा ज्यादा जितना बढ़िया लिविंग ग्रुप होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा फास्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एसिड क्लोराइड है, ठीक है, उसके न्यूक्लियोफाइल के साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या बनेगा, RCO न्यूक्लियोफाइल प्लस Cl नेगेटिव। इसी तरह से अगर आपके पास ये है OCOR एनहाइड्राइड है, इसकी न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो क्या बनेगा, RCO न्यूक्लियोफाइल प्लस OCOR नेगेटिव। अगर आपके पास इस तरह से है एस्टर OR डैश, उसकी न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो क्या बनेगा, न्यूक्लियोफाइल प्लस RO नेगेटिव। इसी तरह से अगर आप रिएक्शन करा रहे हो अमाइड के साथ तो क्या बनेगा, देखो RCO न्यूक्लियोफाइल प्लस NH2 नेगेटिव। तो कौन सी रिएक्शन सबसे ज्यादा फास्ट होगी, आप देखो न्यूक्लियोफाइल तो सभी के अंदर सेम है, रिएक्टेंस सभी के अंदर डिफरेंट है, तो कोई भी रिएक्शन अगर आपको रेट देखना होता तो हमेशा आपको ये देखना है रिएक्शन होने के बाद क्या बन रहा, समझ आए। एक तो फैक्टर होता है इलेक्ट्रोफिलिसिटी, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी मैं ओनली न्यूक्लियोफाइल के बेस पे आपको डिस्कस कर रहा हूं। तो लिविंग ग्रुप कौन सा, देखो लिविंग ग्रुप के बेस पे लिविंग ग्रुप है, यहां पे हमारे पास ये पहली रिएक्शन है, ये दूसरी रिएक्शन है, ये तीसरी रिएक्शन है और ये फोर्थ रिएक्शन है। यहां पे लिविंग ग्रुप क्या है, Cl नेगेटिव, यहां पे लिविंग ग्रुप क्या है, RCO O नेगेटिव, यहां पे लिविंग ग्रुप क्या है, RO नेगेटिव, यहां पे लिविंग ग्रुप क्या है, NH2 नेगेटिव। तो इनका कंजुगेट एसिड देखो क्या बनेगा, इसका बनेगा HCl, H लगाने के बाद इसका बनेगा RCOOH, इसका बनेगा ROH और इसका बनेगा NH3। अब मुझे बताओ इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, एसिडिटी अगर आप देखोगे, एसिडिटी तो एसिडिटी का ऑर्डर क्या है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा और फिर फोर्थ। अगर एसिडिटी का ऑर्डर ये है तो इनका नेगेटिव पार्ट और भी अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, तो लिविंग ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, पहला फिर दूसरा फिर तीसरा फिर फोर्थ। ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका नेगेटिव पार्ट Cl नेगेटिव सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है, जो जितना स्ट्रॉन्ग एसिड उसका नेगेटिव पार्ट यानी वो उतना ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप। तो सबसे फास्ट रिएक्शन कौन सी होगी जिसमें सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है, पहली रिएक्शन सबसे ज्यादा फास्ट होगी जिसके अंदर क्लोराइड आयन लिविंग ग्रुप है, उसके बाद ये वाली, फिर ये वाली और फिर ये वाली। तो सिर्फ आपको लिविंग ग्रुप मैंने बताया है, आप ज़्यादा मत सोचो। लिविंग ग्रुप अगर आपको देखना है कौन सा अच्छा है तो आपको देखना है कि निकल के क्या जा रहा है, उसके साथ H लगा दो, H लगाने के बाद जो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका नेगेटिव पार्ट उतना ही अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं शॉर्ट ही रखूँगा, 34 मिनट की हो चुकी है ऑलरेडी। ओके, तो देखो इसमें क्या है, जिसका नेगेटिव पार्ट जितना ज़्यादा, जिसका एच लगाने के बाद जितना स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा उसका नेगेटिव पार्ट उतना ही अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। दूसरी बात है न्यूक्लियोफाइल, कि न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है या वीक है, तो वो इसका उल्टा होती है कि अगर एच लगाने के बाद, एच पॉजिटिव लगाने के बाद कंजुगेट एसिड वीक है तो न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है, ये उसका उल्टा है। अगर एच लगाने के बाद एसिड स्ट्रॉन्ग है जितना ज्यादा उतना ही अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उसका नेगेटिव पार्ट, लेकिन जितना ज्यादा वीक एसिड होगा एच लगाने के बाद उतना ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा उसका नेगेटिव पार्ट। तो देखो ये जो चार चीजें आपके पास हैं, Cl नेगेटिव, अगर आप लिविंग ग्रुप देखोगे तो लिविंग ग्रुप क्या है, सबसे अच्छा Cl नेगेटिव, उसके बाद RCO O नेगेटिव, उसके बाद
आरओ नेगेटिव और उसके बाद है NH2 नेगेटिव। ये है लिविंग ग्रुप एबिलिटी। अगर आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी देखना है, कौन सा ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है, यानी कि कौन सा जल्दी अटैक करेगा, कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो आप देखो जिसका एच लगाने के बाद सबसे वीक एसिड होगा वो न्यूक्लियोफाइल उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है? नेगेटिव पार्ट। एच लगाने के बाद जिसका कंजुगेट एसिड ज़्यादा वीक होगा उसका नेगेटिव पार्ट उतना ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या आ जाएगा? एकदम उल्टा, Cl नेगेटिव। तो दो ही चीज़ें आपको इस वीडियो में कवर करनी है। पहली कि लिविंग ग्रुप कौन सा अच्छा होगा। लिविंग ग्रुप वो अच्छा होगा जिसके साथ एच लगाने के बाद कंजुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग बनेगा। अगर एच लगाने के बाद कंजुगेट एसिड वीक बनेगा तो वो अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ अगर आपको देखनी है, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। एच लगा के देख लो, जो जितना वीक एसिड होगा उसका नेगेटिव पार्ट उतना ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि लिविंग ग्रुप कौन सा अच्छा है, न्यूक्लियोफाइल कौन सा अच्छा। जो मैंने शुरू में कहा था कि इस तरह से रिएक्शन होती है, वो सब आप थोड़ा सा देख लेना। बट मेन कॉन्सेप्ट इस वीडियो का ये था कि लिविंग ग्रुप कौन सा अच्छा होता है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगाने के बाद स्ट्रॉन्ग एसिड बनता है उसका नेगेटिव पार्ट उतना ही ज़्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। न्यूक्लियोफाइल अगर आपको देखना है तो न्यूक्लियोफाइल में आपको ये देखना है, एच लगाने के बाद जिसका एसिड जितना वीक बनेगा उसका नेगेटिव पार्ट उतना ही अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। जैसे अगर यहाँ पे CH3 नेगेटिव है, ठीक है, इसके साथ एच लगा दो, CH3H बन गया, एल्केन बन गया। ये तो सबसे वीक एसिड होते हैं, सबसे वीक एसिड होते हैं, तो इसका नेगेटिव पार्ट सबसे वीक लिविंग ग्रुप है और न्यूक्लियोफाइल सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, CH3 नेगेटिव। तो इस तरह से आपको देखना है। इस वीडियो में मैं कोशिश करता हूँ इतना ही रखूँ, ज़्यादा लंबी ना हो वीडियो। तो अगर आपको कोई डाउट हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, या कोई सुजेशन हो तो आप वो भी मुझे दे सकते हो। और ये वीडियो बिल्कुल भी IIT JEE नीट के लिए नहीं है, ये क्लेडन बुक उनके लेवल से काफ़ी आगे है थोड़ी सी। ऑफकोर्स अगर आप MS चौहान करते हो तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, बट काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके काम के नहीं हैं, तो आप इसको ना देखें। नया चैनल जब बनेगा तो उस पर वीडियोज़ डल जाएंगे, उसको आप देख सकते हैं। तो ये था इस वीडियो का कॉन्सेप्ट लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन्हें का अप्लीकेशन, कि कैसे आप प्रिडिक्ट कर सकते हो रिएक्शन आगे जाएगी या पीछे की साइड जाएगी, कौन सी रिएक्शन अच्छी है कौन सी नहीं है। ये प्रिडिक्ट करने के लिए आप इन्हीं दो चीज़ों का यूज करना है, तो ये चीज़ें आपको देखनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।